ऐसा ही हो रहा है ना, अकाउंट्स पिक कर रहे हो, टैक्स का टेंशन आ रहा है, टैक्स पिक कर रहे हो, कॉस्टिंग का टेंशन आ रहा है, कॉस्टिंग पिक कर रहे हो, एडवांस्ड अकाउंट्स का टेंशन आ रहा है, एंड इतना ज्यादा टेंशन आ रहा है, इस वजह से अपन पूरी चीजें मेसअप कर देते हैं, जो टारगेट सेट किया है दिन का वो अचीव नहीं हो पाता है। तो गाइज अभी ना वी कांट गो अवे इन द फ्लो ऑफ सिचुएशन, इसका बस एक ही सोल्यूशन है, यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर एवरी मूव। यू कांट गो अवे इन द फ्लो कि चलो यार मैं अकाउंट्स आज पढ़ाई करने का मैंने डिसाइड किया है, लेकिन अगर मुझे कुछ कॉस्टिंग का याद आ गया तो मैं अकाउंट्स बंद करके कॉस्टिंग की बुक खोल के बैठ जाऊंगी। कॉस्टिंग पढ़ते टाइम मुझे सडनली याद है कि नहीं नहीं यार मेरा वो ऑडिट अच्छे से नहीं हुआ है, कॉस्टिंग की बुक बंद की, वो ऑडिट का बुक खोल लिया। वी आर नॉट गोइंग टू गो अवे इन द फ्लो ऑफ सिचुएशन। गाइज ये जो लास्ट के फ्यू डेज है ना, यहाँ पे यू नीड टू लर्न टू चैनलाइज योर प्रेशर इन द राइट डायरेक्शन। गाइज सी प्रेशर तो रहने ही वाला है, ये तो है, लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग अकस्टम टू प्रेशर वी आर गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशंस टू आर प्रेशर। जैसे कि फर्स्ट सोल्यूशन क्या रहेगा कि जो सब्जेक्ट इन हैंड है उसको प्रॉपर जस्टिस दो। जैसे कि सपोज आपने डिसाइड किया है अभी अकाउंट्स करना है, 3 दिन बाद मुझे कॉस्टिंग करना है, लेकिन अगर आपने अभी अकाउंट्स भी अच्छे से नहीं किया तो कॉस्टिंग के टाइम पे अकाउंट्स बार बार दिमाग में बम्बार्ड होते रहेगा कि अकाउंट्स भी अच्छा नहीं हुआ, अकाउंट्स भी अच्छा नहीं हुआ। इस वजह से अकाउंट्स तो अच्छा नहीं हुआ और कॉस्टिंग भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सिंपलेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस इज जो चैप्टर इन हैंड है उसको प्रॉपरली करो, उसको प्रॉपर जस्टिस दो, उस पे जी जान लगा दो। नंबर टू थिंग इज देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन थिंग्स। यार हर एक स्टूडेंट के कुछ वीक एरियाज होते हैं, कुछ चीजें आपको रहेगा सी मेरा कॉस्टिंग था, मुझे कॉस्टिंग बहुत वीक लगता था, या SFM में मुझे फॉरेक्स बहुत वीक लगता था, या लॉ में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ चीजें होती थी, कभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू रिजर्व 2 to 3 hours ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द चैप्टर्स और फॉर द कॉन्सेप्ट्स और फॉर द सब्जेक्ट विच आई एम नॉट गुड एट। आपको भी ऐसे ही करना है, इंस्टेड ऑफ इंटरफियरिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट विद समथिंग एल्स, की जैसे कि अकाउंट्स पढ़ रहे और कॉस्टिंग का अननेसेसरीली बीच में लाने से बेटर है रिजर्व 2 to 3 hours ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द चैप्टर्स विच यू आर नॉट गुड एट। तो सिंपल है ना, डोंट गो अवे इन द फ्लो ऑफ इमोशन, शिट यार मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, एंड एट द एंड ऑफ द डे फिर कुछ नहीं हो पाता, अब मिसअप कर देते हो आपका बना बनाया स्टडी प्लान। एंड गाइज ये बात ध्यान में रखो, हाँ देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग विच यू डू नॉट नो। एक रैंकर का भी वैसे होने वाला है, समथिंग विच यू डू नॉट नो। अरे इतना वास्ट सिलेबस है, कुछ चीजें रहेगी जो याद नहीं आ रही है, कुछ चीजें रहेगी कि जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो। यस्टरडे स्टूडेंट केम टू मी एंड सेड कि मैम ये RTP मुझे बहुत टफ लगी, मुझे 2 से 3 क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करते हैं। गाइस द एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग कि मुझे सब कुछ सॉल्व करते आना चाहिए। RTP सॉल्व करने का मतलब है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा सम्स, मे बी वो एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट दैट यू शुड नो एवरीथिंग, इट इज अबाउट द फैक्ट दैट यू शुड प्रैक्टिस एवरीथिंग नाउ। अरे रहेगा यार, कुछ ना कुछ रहेगा जो नहीं आता है। जैसे कि मैंने बोला मुझे 100 marks नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 50-55 marks, उतनी तो मेरी तैयारी हुई है, राइट? यू नीड टू हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा करो। एंड जब भी ऐसा प्रेशर फील होता है ना, जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सा आंखें बंद करके रिकॉल करो यार बहुत मेहनत की है लास्ट 3 महीने में, बहुत ज्यादा एफर्ट मारे हैं, कुछ ना कुछ तुम्हें पेपर में लिख के आओगी, 2 से 3 questions तुम्हें सॉल्व करके आ पाओगी, बचे हुए क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग टारगेट कर लूंगी। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड नो दिस फॉर अ फैक्ट कि आई हैवंट कम दिस लॉन्ग टू ओनली कम दिस लॉन्ग। इनफैक्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई हैवंट कम दिस लॉन्ग टू ओनली कम दिस लॉन्ग। एंड प्रॉब्लम्स होने वाली है, टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स इरप्ट होने वाली है, वी आर नॉट गोइंग टू सिट विद द प्रॉब्लम्स। आपको पता है ना, द बोट डजंट सिंक बिकॉज ऑफ द वॉटर आउटसाइड इट, द बोट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वॉटर इनसाइड इट। अपने अंदर के प्रेशर के वजह से अभी आप फेल होने वाले हो, जस्ट फाइंड द राइट सोल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स, डोंट सिट विद इट। बस इतना बोलना है मुझे गाइज कि हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ कि कुछ तो कर सकते हैं। इट्स नॉट द टाइम टू सल्क, इट इज द टाइम टू फाइंड आउट सम रियल रीजंस टू स्माइल इन द फ्यूचर। So, aaj, go in front of the mirror and tell yourself, I have got this. I have got this. I am going to make sure that I clear the upcoming examination and I put in my 100% in the next 20 days. Ab khud dekhna aapko kya satisfaction feel hoga. ठीक है, आई विल सी यू सुपर सून। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस पे चैनल पे लाइंड अप है गाइस, बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगी। बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा, पढ़ते रहो, ओके, वेरी क्रूशियल डेज अहेड, बाय बाय।